डू नॉट फॉलो योर पैशन। अब ये लाइन सुन के मन तो कर रहा होगा कि इसको भगा भगा के मारे। नो गॉड प्लीज नो नो नो। बोलने का मतलब क्या है कि पैशन को फॉलो नहीं करना। रुको जरा, इस वीडियो को अंत तक देखो एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके दिमाग में एक मिथ है ना कि हमें अपने पैशन को फॉलो करना है टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, वो मिथ आपका चेंज हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दिस विल हेल्प अस ग्रो। ओके, नाउ फॉलो योर पैशन, इस लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिस लाइन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि जो आपका पैशन है वो आपके बाहर है। पैशन एक ऐसी चीज है जो हजारों किलोमीटर दूर है, आपको उसको ढूंढना है और फॉलो करना है। और एक डेंजरस आइडिया हमारे दिमाग में बचपन से रहता है कि पैशन इज अ सिंगुलर थिंग, एक पैशन है, आपको उसको ढूंढना है, आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको ढूंढो, जब मिल जाए उसको फॉलो करो। और ये ढूंढने का जो प्रेशर है ना, ये बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम व्हेन यू हैव टू चूज अ मेजर कि कौन सी वर्क स्ट्रीम को चूज करें। अगर वो वर्क स्ट्रीम चूज कर लिए, फिर उसके बाद जॉब अगर कर रहे हैं तो कौन सी जॉब, कौन से सेक्टर में जॉब करें, सेक्टर में घुस गए किस तरह की जॉब करें, किस तरह की जॉब पता लगी, कौन सी कंपनी में जॉब करें। ये जो कंफ्यूजन, ये जो प्रेशर आपके दिमाग में इस चीज की वजह से ही है, क्योंकि आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज लुकिंग फॉर पैशन आउटसाइड ऑफ यू एंड फॉलोइंग इट। अब अभी भाई ध्यान तो बहुत दे दिया कि पैशन को अगर फॉलो नहीं करना तो करना क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? राइट, रिमेंबर दिस, यू डू नॉट हैव टू फॉलो योर पैशन, यू हैव टू ब्रिंग दैट पैशन विद यू। पैशन को अपने अंदर लेकर आओ, पैशन को अपनी बॉडी से बाहर नहीं रखना, हजारों किलोमीटर दूर नहीं रखना और उसको फॉलो नहीं करना। उसको अपने अंदर लेकर आओ और जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, उसको पैशनेट होकर करोगे ना अपने अंदर से, देन यू सी द डिफरेंस इन द रिजल्ट्स। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अ पैशन, पैशन है क्या। पहले ये समझिए कि पैशन क्या नहीं है। पैशन इज नॉट अ सिंगुलर थिंग, पैशन एक सिंगल चीज नहीं है जो आपको ढूंढनी है और वो वही फॉलो करनी है। पैशन कैन बी मल्टीपल थिंग्स, योर पैशंस कैन चेंज एज यू ग्रो, एज यू लर्न डिफरेंट थिंग्स। आप जैसे जैसे नई जगह पे काम करोगे, नए नए एक्सपीरियंस लोगे, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट, आपका गोल्स हो सकता है दे कैन चेंज। सो पैशन इज नॉट अ सिंगुलर थिंग, एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो कि जब तक हम किसी चीज को परस्यू नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वो पैशन है कि नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन गार्डन में आप लोग समाधि लगाकर बैठे हो शांति में, पीछे से बाबा रामदेव आपके दिमाग में आए और बोले ये कर, वो आपका पैशन हो गया। नो राइट, पैशन इज नॉट अ प्लान, इट इज अ फीलिंग एंड फीलिंग्स डू चेंज। पैशन इज नॉट अ स्पोर्ट, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ हॉबी, इट्स नॉट अ मेजर। यू नो वट पैशन इज, पैशन इज समथिंग कि आपको आपके हाथ में कोई काम है, आप उस पर अपनी पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरी अटेंटिवनेस उसमें लगाकर अगर आप करो, दैट विल शो दैट यू आर पैशनेट अबाउट दैट सर्टन थिंग। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहां में पिघल गया। अब आप सुबह अपने जॉब पे जाओ, गले हुए केले की तरह सिस्टम के सामने बैठ के काम अगर करना शुरू हो जाओ, ना फोकस है, ना ध्यान है, ना एनर्जी है, पैशनेट तो आप कभी हो गए नहीं, एंड यू वोंट ग्रो, यू वोंट सक्सीड इन दैट फील्ड। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि पैशन है क्या। आप वो सिंगुलर पैशन ढूंढने में बिजी हो, there is a good chance that you will end up losing great things in life. You can end up losing the great love of your life because you think ki that person is not the one. Okay. See, it is okay to be unsure of things, or it is okay to be unsure when you are in a career or you are in a job जहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या होगा।
बिकॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आर द वंस विच स्टिल हैव द पावर टू सरप्राइज यू इवन आफ्टर 3, 4 and 5 ईयर्स. सो इट इज ओके टू बी इन दैट प्लेस. सो वी एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी पावरफुल नोट. देर इज अ मैसेज दैट आई वॉन्ट टू कोट हियर एंड आई वॉन्ट यू टू राइट. ओके, टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ मीनिंग एंड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू डू नॉट फॉलो योर पैशन, योर पैशन फॉलोज यू. ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज दिस विल हेल्प अस ग्रो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.